भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। ये राष्ट्रवाद पर आधारित सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद की विचारधारा का मूल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो समाजवाद और व्यक्तित्ववाद से अलग सोचने की आजादी देता है। ये दर्शन समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उदय अंतोदय, जिसका सरल भावार्थ है पिछड़े लोगों का उत्थान करना। हजारों वर्षों की गुलामी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमने सोचा था कि सभी बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। यद्यपि आज़ादी मिलने के बाद देश में बहुत उन्नति हुई, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में तो विश्व ने लोहा मान लिया भारत का, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी रह गई जो कसक जाती है इस दिल को। गांधी जी ने जो सपना देखा था वह ग्रामोदय का सपना था, वह अंत्योदय का सपना था। गांधी जी देश का विकास गांवों से करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पहले गांव उन्नत करेगा, विकसित होगा तो देश स्वयं में वो विकसित करेगा। लेकिन हम उद्योगों के विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे, शहरीकरण तेज़ी के साथ विकसित हुआ, गांव पीछे छूटते रह गए और हाशिए का व्यक्ति हाशिए पर पड़ा रह गया। ऐसे में एक व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय उस चिंतन के साथ आगे बढ़ते हैं और उनका एकात्म मानववाद शायद इसी मूल अवधारणा पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा दीक्षा के उपरांत पंडित जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दी। जीवन के आखिरी पड़ाव 10 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब ट्रेन से लखनऊ से पटना जा रहे थे, तब उनका शव मुगल सराय स्टेशन, अब PDDU जंक्शन के यार्ड क्षेत्र में खंबा नंबर 1276 के पास मिला था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम पड़ाव के रूप में पड़ाव में उनके व्यक्तित्व, दर्शन व कृतित्व से परिचय कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का निर्माण किया गया है। पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल का निर्माण पर्यटन विभाग के माध्यम से कराया गया है। यह एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया गया है। इसमें मूर्ति, ओपन एयर थिएटर, पाथवे, इंटरप्रिटेशन सेंटर। ओपन एयर थिएटर का निर्माण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के पर्पज़ से किया गया है। इसके अतिरिक्त फसाड लाइट और पार्क, इसका निर्माण पर्यटन विभाग के माध्यम से कराया गया है। आने वाला टूरिस्ट जो चंदौली में आ रहा है वो एक बढ़िया पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप किया गया है और यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। यह स्थल एक ऐसा स्थल है जो इस जनपद के टूरिज़्म को बढ़ा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ नंबर ऑफ़ टूरिस्ट और होगा और इसका अगला जो बड़ा प्रस्ताव होगा वो भी विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। वर्तमान में ये कार्य कराए जा चुके हैं और यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। आइए चलते हैं स्मृति स्थल और वहाँ हम जानेंगे स्मृति स्थल की विशेषताओं को। स्मृति स्थल वाराणसी और चंदौली जनपद की सीमा पर स्थित है। वाराणसी मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जनपद वाराणसी से पूर्वोत्तर की ओर PDDU रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मार्ग पर
राजघाट पुल से आगे बढ़ते ही प्रसिद्ध पड़ाव चौराहे के पास स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल। इस स्मृति स्थल में प्रवेश करते ही भावपूर्ण दृश्य नजर आता है। यहाँ पहुंचने के पश्चात कहा जा सकता है कि पंडित जी के वैचारिक दर्शन को रेखांकित करता है ये स्मृति स्थल। इस देश ने एक ऐसा राष्ट्र रत्न हमें दिया जिसकी सोच में वो हाशिए का समाज था, पिछड़े हुए लोग थे जिन तक विकास की किरण नहीं पहुंच पाई थी, और वह रत्न था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया भारत को जो सभी दर्शनों से ऊपर हुआ, एकात्म मानववाद का दर्शन, एक ऐसा दर्शन जिसमें भारतीय दर्शन का जो मूल रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी बराबर हैं। सबसे पहले हमें सहायता उनकी करनी है जो नितांत असहाय हैं, और तभी हम सभी बराबर हो सकते हैं। इस दर्शन को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गांव-गांव, शहर-शहर, डगर-डगर अपने विचारों को, अपने दर्शनों को दिया। उनके लिए राष्ट्र ओढ़ना और बिछौना था, जो कुछ सोचते थे, जो कुछ चिंतन करते थे, उसको लोगों के बीच में बांटते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल का लोकार्पण 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पूरा परिसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व व कृतित्व का परिचय कराता है। उनकी स्मृतियों को संजोता ये स्थल दर्शनीय है, अवलोकनीय है। आगंतुक पर्यटक यहाँ पंडित जी के दर्शन को आत्मसात करते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक राष्ट्रीय सेवाओं व योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस एकात्मवाद से परिचित होते हैं। दीनदयाल जी की जो जीवन का उद्देश्य था, एक अंत्योदय तथा एकात्म मानववाद की, जिसके अंतर्गत कि मनुष्य के जो भी हमारे देश का एक व्यक्ति, एक नागरिक है, उसको सरकार की सभी सुविधाएं या सभी चीज़ें, सुविधाएं उसके तक पहुंचने को, जो उन्होंने एक अपनी एक इच्छा शक्ति व्यक्त की थी, जो जिसे हम एकात्म मानववाद कहते हैं या अंत्योदय कहते हैं, उन सभी का एक इंटरप्रिटेशन वॉल बनाया गया है। इस पार्क में प्राय हमारे यहाँ देशी पर्यटकों का काफ़ी ज़्यादा आगमन होता है। विगत वर्ष में अगर हम कहें तो सिर्फ पर्यटकों पर इसकी 20 रुपये की टिकटिंग की जाती है, जिससे तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए की आय वाराणसी विकास प्राधिकरण को हुई, क्योंकि वर्तमान में यह पार्क वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। स्मृति स्थल के परिसर में बाएं तरफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन को दर्शाते हुए इंटरप्रिटेशन वॉल का निर्माण कराया गया है। उनके पूरे सामाजिक व राजनैतिक कार्यों का यहाँ उल्लेख मिलता है। इस स्मृति स्थल परिसर में दाईं ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की लगभग 63 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा की भव्यता पंडित जी का कितना बड़ा व्यक्तित्व था, इसे सिद्ध करती है। स्मृति स्थल में लैंडस्केपिंग एवं हॉर्टिकल्चर का कार्य कराया गया है। पर्यटकों के लिए बैठने और प्रकृति के बीच आनंद के कुछ क्षण व्यतीत करने का ये उद्यान स्थल भी है। पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल जनपद चंदौली में है, जो बनारस की सीमा से लगा हुआ है। बनारस आने वाला टूरिस्ट आज की डेट में नंबर ऑफ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा है। इवन यूपी जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट में नंबर 1 की प्लेस ले रहा है, और उम्मीद करते हैं कि बनारस आने वाले पर्यटक को ये पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल चंदौली जाकर बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया गया है। पूरे परिसर में पाथवे का निर्माण कराया गया है, साथ ही एक ओपन एयर थिएटर का भी निर्माण यहाँ किया गया है। मध्य में गोलाकार मंच है और चारों ओर दर्शकों के बैठने का स्थान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय के संबंध में
एक परिचय के नाम से वर्चुअल रियलिटी शो तैयार किया गया है, जिसे यहां आने वाले पर्यटकों को दिखाया जाता है। मैं तो कहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जीवन दर्शन है, इस भारत की उन्नति के मूल में है। इसलिए हमें उस महापुरुष का स्मरण करना और एक विराट रूप में इस विराट व्यक्तित्व को अगर हम किनारे करेंगे तो हम कभी भी विकसित नहीं हो सकते हैं। चिंतन के केंद्र में लाना होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस एकात्म दर्शन को, तभी हम राष्ट्र उन्नत होगा और विश्व का गुरु बनेगा। जनपद चंदौली का जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का कार्यालय यही स्मृति स्थल परिसर में स्थित है। संस्कृति विभाग द्वारा इस पार्क के निकट एक नया और प्रपोज कार्य है, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत कराया जा सकता है। इस पार्क में प्रायः विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके अलावा विभिन्न देशों के, हमारे जो नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था उनका भी भ्रमण कराया गया था। इसके अलावा VVIP के कार्यक्रमों के दृष्टिगत यहाँ पर प्रायः VVIP का आगमन होता रहता है और उस पार्क के जो भी हमारी छवि है, इससे यहाँ के लोग आते हैं और इससे काफ़ी अच्छा और काफ़ी चंदौली के लिए एक बहुत ही सुनहरा जगह है, जिससे मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस जनपद में आएँ, इस पड़ाव पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक को देखें और प्रफुल्लित होकर जाएँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल देखने की इस यात्रा में एकात्म मानववाद के प्रणेता की स्मृतियां जीवंत हो गई हैं।